आप देख रहे हैं एएच ग्लोब। सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशंस भी क्लिक कीजिए। एक मर्तबा हजरत सरीसा कदी रहमतुल्लाह अलैह कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। दोपहर का वक्त था, उन्हें नींद आई। वो कैलुल्ला की नियत से एक दरख्त के नीचे सो गई। कुछ देर लेटने के बाद जब उनकी आंख खुली तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। उन्होंने गौर किया तो पता चला कि उस दरख्त में से ये आवाज आ रही थी जिसके नीचे आप रहमतुल्लाह अलैह लेटे हुए थे। जी हाँ, अल्लाह ताला जब चाहता है तो ऐसे वाकयात रोनुमा कर देता है। दरख्त उनसे कह रहा था कि सिरी तू मेरे जैसा हो जा। वो ये आवाज सुनकर बड़े हैरान हुए जब पता चला कि आवाज दरख्त में से आ रही है। तो आपने उस दरख्त से पूछा, ए दरख्त, मैं तेरे जैसा कैसे बन सकता हूँ? दरख्त ने जवाब दिया, ए सिरे सकदी रहमतुल्लाह अलैह, जो लोग मुझ पर पत्थर फेंकते हैं मैं उन लोगों की तरफ अपने फल लौटाता हूँ, इसीलिए तू भी मेरे जैसा बन जा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी ये बात सुनकर और भी ज्यादा हैरान हुए। मगर अल्लाह वालों को फरस्त मिली होती है, लिहाजा उनके जहन में फौरन ख्याल आया कि अगर ये दरख्त इतना ही अच्छा है कि जो इसे पत्थर मारे ये उसे फल देता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरख्त की लकड़ियों को आग की घिसा क्यों बना दिया? लिहाजा सिरे सकदी रहमतुल्लाह अलैह ने दरख्त से पूछा, हे दरख्त, अगर तू इतना ही अच्छा है तो ये बता कि अल्लाह ताला ने तुझे आग की गिज़ा क्यों बना दिया? इस पर दरख्त ने जवाब दिया कि सिरे सकती रहमतुल्लाह अलैह, मेरे अंदर खूबी भी बहुत बड़ी है मगर उसके साथ साथ एक खमी भी बहुत बड़ी है। उस खमी ने मेरी इतनी बड़ी खूबी पानी पर फेर दिया। अल्लाह ताला को मेरी वो खमी इतनी नापसंद है कि अल्लाह सुबहान व तआला ने मुझे आग की गिज़ा बना दिया। अल्लाह अकबर, ऐसे रिसकती रहमतुल्लाह अलैह मेरे खमी है कि जिधर की हवा चलती है मैं भी उधर डोल जाता हूँ, यानी मेरे अंदर इस्तेकामत नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि या परवरदिगार, तू हमारे खूबियों को इजाफा कर दे और हमारे खामियों को ख़त्म कर दे। आमीन सुम आमीन।